आज की इस वीडियो के अंदर देखें, हमारे पास एक अटेंडेंस सिस्टम है जो कि आपके इंस्टीट्यूशन, इवन यू आपके शॉप्स हैं, स्कूल्स हैं, या कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन या कंपनी है और आपको अटेंडेंस सिस्टम चाहिए फुल्ली मैनुअल और सिक्योर, तो देन ये वाला सिस्टम आपके लिए ही बनाया गया है, आपकी जरूरियात को देखकर बनाया गया है। सबसे पहले देखिए, यहां पर अब हमारे पास ये डेट है, यहां पर यूजर एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। यहां पर टाइम है, जो टाइम सिर्फ वो देख सकता है, एडिट नहीं कर सकता। देन यहां से वो साइन इन करना चाहता है, यानी कि ऑफिस के अंदर आया है, स्कूल के अंदर आया है, गया है, हमें नहीं पता। उसके बाद यहां पर एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम वो नहीं लिख सकता, आपको वहां पर अपने एम्प्लॉयज डाटा के अंदर जाना पड़ेगा और ये एक पिन बनानी पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास टेट्रा 1 है, एंड देन मैं यहां पर लिखता हूं और देन मेरा नेम यहां पर आ जाता है। सो मेरा नेम यहां पर आ चुका है, मैंने अपनी पिन लिखी, उसके बाद मैंने कर दी सबमिट। अब तो ये था थोड़ा सा ऑटोमेटिक सिस्टम, योर अटेंडेंस वाज सक्सेसफुली सबमिटेड। अब हमारा जो अटेंडेंस है, देखिए यहां पर हमारे पास ये अटेंडेंस सबमिटेड हो चुकी है। अब ये था कि मैं इसी टाइम डेट पर इसी टाइम पर ही अटेंडेंस पुट कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक बटन है, हमने जैसे ही इसे किया तो देन हम मैन्युअली अपना अटेंडेंस इन कर सकेंगे। मैं इन करना चाहता हूं, मैं 5 बजे आया था, 5:15 पर आया था, पीएम पे था, और जो मेरा पिन है, जो कि मेरा नेम है, उस नेम के जरिए मैं अपनी अटेंडेंस को सबमिट करवा रहा हूं। तो ये देखिए, ये मेरे पास 5:15 पीएम की मेरे पास अटेंडेंस आ चुकी है, और ये जो वो ईमेल है जिससे हमने अपना लॉगिन किया हुआ है इस वक्त, तो ईमेल का ये यूजर नेम है। तो ये तो था सर हमारा आउटपुट सिस्टम। अब हम जाते हैं शीट के अंदर। सबसे पहले हमने बनाया अटेंडेंस डेटा, तो यहां पर हमने अटेंडेंस डेटा बनाया, तो यहां पर सबसे पहले जो है ये पिन हमारी, या सबसे पहले यहां पर हमने एम्प्लॉयज बनाने, एम्प्लॉयज बनाए, एम्प्लॉयज को पिन नंबर दिया। लेट्स सपोज मैं यहां पर एक और एम्प्लॉयज बना लेता हूं और उसका मैं नाम लिख देता हूं अवैध, ठीक है। एंड देन मैं यहां पर अब इसको अटेंडेंस लगाना चाहता हूं, तो देन मेरे पास यहां पर अवैध आना चाहिए, दिस इज अवैध। एंड देन व्हेन आई सबमिटेड, योर अटेंडेंस वाज सक्सेसफुली सबमिटेड, एंड हियर यू विल सी अवैध, एंड हियर यू विल प्रोसेसिंग डाटा के अभी दो बंदों ने आज इनपुट की है। और यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ जो यूनिक है, एक दफा आपने उसको शो करवाना है चाहिए। देखिए अमीज यहाँ पर कितनी दफा है, 6 दफा, 5 दफा, तो यहाँ पर उसने एक दफा ही शो करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्रोसेस कर रहा है, तो यहां पर तो ये हो गया हमारा टाइम स्टैम्प, डे, ट्रांजैक्शन लॉग इन है, आउट है, लॉग टाइम है, और यूजर नेम जो भी है, ठीक है। अब यहां पर हमने अपने यूजर्स की आईडीज भी बना ली, और यहां पर हमने उनका जो है वो अटेंडेंस भी ले ली, और यहां पर हमने उनका डाटा भी एक फॉर्मूला लगाया यूनिक, आज के बाद हमने ब्रैकेट्स लगाई, अटेंडेंस डाटा, इस शीट का नेम लिखा, और हमने A1 से A का जो डाटा है वो हमने यहां पर ले लिया, और यहां पर हमने B1 से पूरी B का डाटा ले लिया यूनिक। अब हम जाएंगे अपने ऐप स्क्रिप्ट कोड के अंदर। जब हम अपने ऐप स्क्रिप्ट कोड के अंदर आ जाएंगे, तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने यहां पर कोई शीट आईडी, कोई कुछ भी नहीं रिप्लेस करना, ओनली आप लोगों ने रन कर देना है। रन कर देने करने करने के साथ जैसे ही आप इसे रन आउट कर देंगे, तो आपसे परमिशंस मांगेगा, परमिशंस दीजिएगा, एक्सेस कर दीजिएगा। मैं अभी सेटअप करना सिखाता हूँ, ये मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखे, यहाँ पर इसका जो है वो HTML कोड है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप CSS के एक्सपर्ट्स हैं, तो आपको अगर CSS आती है तो आप इसे अपने लिहाज से डिजाइन आउट कर सकते हैं। करंटली वो आई एम यूजिंग है द बूटस्ट्रैप, ओके। सो अब आपको ये कोड का जो लिंक है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल से मिलेगा, ठीक है। और हम यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, एंड देन यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर आकर जैसे ही आप इसे अपने हैंड पर इसे ऑन ओपन करेंगे, तो
आपके पास कुछ इस तरीके से होगा सर, कुछ इस तरीके से। आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली आप जैसे ही इसके फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर फाइल के ऊपर क्लिक करके मेगा कॉपी कर दीजिएगा। यहां पे आप इसे अपना जो भी आपने नेम लिखना है वो लिख दीजिएगा। मैं यहां पर इसे अटेंडेंस R41 ही कहता हूं। उसके बाद मेगा कॉपी कर दीजिएगा। मेगा कॉपी करने के बाद सर आप इसे यहां पर इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। एक्सटेंशंस के ऊपर जाइएगा, बूटस्ट्रैप के ऊपर जाइएगा और एप स्क्रिप्ट के ऊपर जाइएगा। एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद देन यहां पर रन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर कुछ परमिशन देनी होगी। तो आपसे यहां पर ये कुछ परमिशंस मांगेगा, इसे परमिशंस दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद एडवांस के ऊपर क्लिक कीजिएगा, गो टू अटेंडेंस R41 एंड देन अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आपका ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपने न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है मेरे जान। उसके बाद आपने डिप्लॉय कर देना है। डिप्लॉय करने के बाद आपने यहां पर इसको एक दफा मे भी ये अगेन से परमिशंस मांगे हमसे, अगर नहीं तो ये आपको यहां पर एक लिंक दे देगा जो कि आपके यूजेबल होगा। यहाँ पे ऑथोराइज एक्सेस दोबारा कह रहा है, दोबारा दे देते हैं। दोबारा देने के बाद एडवांस के ऊपर क्लिक करके गो टू अटेंडेंस R41 एंड अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहां पर हम इसे, अब हमें यहां पर एक लिंक दिया जाएगा। ये लिंक है, ये आपने लिंक अपने जहां पर मर्जी यूज कर सकते हैं। ओके, अब इस लिंक को जहां मर्जी आप यूज करें, मैं यहां पर अवैध की अटेंडेंस लगाना चाहूंगा। तो ये देखिए, हम यहां पर इसे सबमिट कर देते हैं और जैसे ही हम सबमिट कर देंगे तो अटेंडेंस हमारी आ गई है। एस्ट्रेंडनेट से हमने अब लॉगिन किया था। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। बहुत ही मल्टी यूजर लॉगिन फॉर्म, मल्टी यूजर डाटा सबमिटिंग फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ला रहे हैं। ओके, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।